हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं काटल नागपुर रोड की, जिसका 4 लेन का काम शुरू हो चुका है। काफ़ी दिनों से इस रोड का वेटिंग था कि कब ये रोड का काम शुरू होगा, तो फाइनली इस रोड का काम शुरू हो चुका है। अभी 2 महीने हो गए इस रोड के काम को शुरू होते, तो आज के व्लॉग में आपको इसी रोड का स्टेटस दिखाऊंगा कि कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वक्त दोस्तों हम हैं नागपुर में, और नागपुर से हम जा रहे हैं काटोल की तरफ। आज के इस वीडियो में हम जो राइड करने वाले हैं वो मेरी कार से करने वाले हैं, आज हम बाइक से नहीं जाने वाले। तो आप जो देख रहे हो वीडियोस, वो मेरी कार का डैश कैम है, जिसके थ्रू आप वीडियोस देख रहे हो आज। अभी हम जो रोड देख रहे हैं वो है गोरेवाड़ा, जो जंगल है उसके बीच से जो रोड जा रहा है उसी रोड से हम जा रहे हैं। और गाइस, आप देख सकते हो कि भाई साहब ने जो है वो कार बीच में खड़ी रखी है। तो कभी भी आपने है ना, कार जो है वो कॉर्नर के पास कभी खड़ी नहीं करना, जैसे कि जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर कभी भी अपने गाड़ी नहीं रोकना। और एक चीज़, जब आप 4 व्हीलर चलाते हो, जैसे अभी आप देख रहे हो कि आगे हमारे टर्निंग है और मुझे इसको ओवरटेक करना है, लेकिन मैं आगे टर्निंग होने के कारण मैं इस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा आगे का जो विज़न है वो क्लियर नहीं है। मुझे नहीं पता कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए गाइस, कभी भी ना टर्निंग पे ओवरटेक करना अवॉइड करिए। अभी आप जो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं वो है न्यू गोरेवाड़ा जू, जो बन रहा है, बन चुका है, एक्चुअली शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल गोरेवाड़ा जू जो है, ये उसका गेट है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं। और लेकिन एक बात याद रखिए, मंडे को ये जो जू है वो बंद रहता है, तो आपको अगर आना है तो आप मंडे छोड़ के बाकी सब दिन यहाँ पर आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ। बाइक के कारण भी ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये रोड छोटा होता है और जब आगे से कोई गाड़ी आती है ना, हम ओवरटेक नहीं कर पाते, क्योंकि यार बाइक वाले वो भी कहाँ से चलेंगे, क्योंकि रोड ही काफ़ी इतना छोटा है। तो इसके लिए ना, मतलब अगर आपके सामने बाइक रही तो आप पीछे ही गाड़ी रख के ना रहे, क्योंकि ओवरटेक ना करें बाइक, क्योंकि बाइक वाले भी डर जाते हैं। अभी ये देखना, ये भाई साहब जो है ना पेट्रोल पम्प से निकल चुके हैं, लेकिन वो अपने लेफ्ट राइट में देख ही नहीं रहे कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, बस वो पेट्रोल पम्प से सीधा निकल के ना भाई साहब हाईवे के ऊपर आ गए। तो ये गलती भी आपने नहीं करना। इस वक्त हम जो है वो फैक्ट्री में हैं, जो गोरेवाड़ा के आगे जो गांव है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो लेफ्ट राइट पे, यहाँ पे एक नागपुर का नया आउटर रिंग रोड बन रहा है। और ये जो राइट में आप देख रहे हैं, ये है फैक्ट्री का हनुमान मंदिर। दोस्तों, मैं व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं थोड़ा ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताते चलता हूँ कि आप अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते टाइम अपने कैसी गाड़ी चलनी चाहिए। मतलब जितना थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है, इतने दिन से मैं गाड़ी चलाते हुए मुझे जो नॉलेज मिला है, मैं वही यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। गाइज, यहाँ पे जो है अभी हम आ गए हैं कलमेश्वर के बाईपास रोड पर। आप देख सकते हैं जो राइट साइड का जो रोड है, एक्चुअली वो कलमेश्वर सिटी में जाता है, और वहाँ पर अभी जो ब्रिज का काम हो रहा है, और ये अभी हम जो इस रोड पर है वो है कलमेश्वर का बाईपास। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 4 लेन रोड का काम शुरू हो चुका है। मतलब वैसे तो 4 लेन रोड नागपुर से, लेकिन उधर साइड में थोड़ा काम नहीं हुआ शुरू, लेकिन जो बाईपास है कलमेश्वर को, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि रोड की जो विड्थ है वो कितनी बड़ी है, ये मतलब रोड लगभग 4 लेन का होने वाला है, उसके बाद भी जगह रहेंगी इनके अगर फ्यूचर में एक्सपेंशन होना रहा तो ये रोड का 6 लेन भी बन सकता है। रोड की जो हालत है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी,
काफ़ी दिनों से लोगों को इस हाईवे का जो है ना इंतज़ार था कि कब ये हाईवे का काम शुरू हो जाता है, और लगभग अभी भी मुझे लगता है कि लगभग एक से डेढ़ साल तो लगेंगे ये रोड को पूरा कंप्लीट होने में। आई थिंक डेढ़ साल से ज़्यादा ही लग सकता है। कभी भी गाड़ी चलाते टाइम ना, कभी भी ओवरटेक के टाइम कभी भी घाई नहीं करना, हमेशा से स्लो और स्टेडी ही ओवरटेक करना जब तक आपका आगे का विजन क्लियर ना हो। जल्दबाजी में ओवरटेक करके कोई मतलब नहीं है भाई। जहाँ पे आपको पहुँचना होता है वहाँ पे हार्डली आप 5-10 मिनट पहले पहुँचोगे अगर आप जल्दी में ओवरटेक करोगे तो, लेकिन जो आपकी लाइफ का रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये जो आगे जो इंटरचेंज आप देख रहे हो वो अगर राइट टर्न अगर हम लेते हैं तो वो जाता है कड़मेश्वर MIDC, और लेफ्ट टर्न अगर हम लेते हैं तो वो जाता है गुंडकेरी अमरावती रोड पर। आगे जो आप हाईवे देख रहे हो ये नया हाईवे बना है अभी जो गोंडखरी से लेके सावनेर जाता है धापेवाड़ा से होते हुए। बहुत जल्द मैं ये हाईवे का भी एक व्लॉग बनाऊंगा कि आपको बताऊंगा कि गोंडखरी से एक शुरू होते हुए सावनेर कैसे जाता है। यहाँ से राइट से अगर आप देखोगे राइट ब्रिज से होते हुए जाओगे तो आप सावनेर जाओगे, धापेवाड़ा सावनेर गोंडखरी से लेके धापेवाड़ा के लिए। और हम जो है ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके हम जाएंगे काटुल की तरफ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर। और यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा जो कड़मेश्वर बाईपास है वो ख़त्म होता है, राइट की तरफ जाएंगे तो कड़मेश्वर सिटी और सीधा अभी हम लेफ्ट की तरफ जो जा रहे हैं वो लग गया हमारा काटुल रोड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा काटुल रोड शुरू हो गया और इसके ऊपर जो काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से शुरू है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अरे हाईवे या ब्रिज ऐसे कैसे बांधते हैं कि ब्रिज के ऊपर भी गड्ढे गिर जाते हैं। देखो ना पीछे भी जो ब्रिज था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे थे, ये ब्रिज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ब्रिज के ऊपर गड्ढे कैसे गिर जाते हैं। अगर आपको बताऊँगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्रिज के ऊपर भी गड्ढे कैसे गिर जाते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि रोड का जो काम है वो किस स्टेज तक पहुंच चुका है। अभी जो है वहाँ पर गिट्टी डालने का काम शुरू हो गया है, मतलब लगभग आप ऐसा समझिए कि 50% जो काम है वो ख़त्म ही होते हुए आ रहा है एक लेन का। और गिट्टी डालने के बाद वहाँ पे मे बी शायद से ये सीमेंट रोड है तो इसके बाद सीमेंट की ही लेयर गिरेंगी उसके ऊपर सीधी। देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ी जगह इन्होंने लिया है, ये एक ही साइड हुई दोस्तों। मुझे लगता है कि राइट साइड से भी उतनी ही बड़ी रोड होगा जितना लेफ्ट साइड से। देखेंगे आप अभी ब्रिज वगैरह का काम यहाँ पे शुरू है और ये गिट्टी डालने का भी काम शुरू है यहाँ पर। अगर गाइस आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ब्लॉग्स देखने को मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड दोनों साइड से कितना बड़ा है और कुछ कुछ जगह पे काम शुरू हो चुका है दोनों साइड का और कुछ कुछ जगह पे काम बाकी है। अगर गाइज आपको भी ऐसा डैश कैम वीडियोस देखना पसंद है तो मैंने एक नया चैनल ओपन किया है डैश कैम वीडियोस, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ जाके वो चैनल को भी देखिए और वहाँ पर आप जितने भी डैश कैम से रिलेटेड वीडियोज़ है मैं सब वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ अपने गाड़ी के।
तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। काटोल नागपुर रोड का जो डिस्टेंस है वो लगभग 45 किलोमीटर है, जो नागपुर से स्टार्ट होके सीधा काटोल तक जाएगा। देख सकते हो कि ये रोड ज़रूरत, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ये रोड बनाने की, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये रोड। जब भी ऐसे टर्निंग के गांव रहते हैं ना, वहाँ पे अपने गाड़ी स्लो कर देना है, और स्लो करने के साथ साथ ना अपने दो तीन बार हॉर्न ज़रूर बजाना है, ताकि जो भी अगर कोई पर्सन हो जो रोड क्रॉस कर रहा हूँ वो अलर्ट हो जाएगा कि टर्निंग के ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो है IMT कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये MBA का कॉलेज है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड कितना बड़ा होगा। यहाँ पे आप दोनों साइड का काम देख सकते हो कि शुरू है। आगे राइट साइड में आप एक लेक देख रहे हो, उसको चारगांव का लेक बोलते हैं। काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट है वो, उसके ऊपर भी मैं काफी जल्दी एक व्लॉग बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको वो व्लॉग देखने को मिल सके। आगे जो भी आप रिवर देख रहे हैं जिसको हम क्रॉस करने वाले हैं, इसको जाम रिवर बोलते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद ही हम काटोल के जो एरिया है उसमें पहुंच जाते हैं, और काटोल जो है वो इस टोल नाके के बाद जो है वो काटोल सिटी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे नागपुर से रिलेटेड ब्लॉग्स जो है, मोटो ब्लॉग्स या कार ब्लॉग्स, वो देखने को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।